बलराज कौर फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजी मोहाली। सो आज का जो हमारा वर्डप्रेस का ब्लॉग रहेगा उसमें हम सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट पेजेस, हाउ वी कैन गिव द नेम फॉर मेन्यूज, लाइक हाउ वी कैन ऐड कंटेंट एंड मीडिया ऑन आवर पेज। ठीक है, लाइक जो हमारी लास्ट पोस्ट रही थी उसमें हमने सीखा था कि हम पोस्टिंग कैसे ऐड करते हैं, कंटेंट कैसे डलता है, कैटेगरीज कैसे क्रिएट होती है और कैसे शो होती है। सो आज की वीडियो में हम सिंपली कुछ नहीं सीखेंगे, हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि हमने पेज कैसे क्रिएट करना है। सो लेट्स मूव ऑन स्क्रीन। सो मैं इसको ओपन कर रही हूँ और हम सबसे पहले जो अपना पेज ओपन करेंगे, ये हमारा पोस्ट का फ्रंट एंड व्यू हमारा खुला हुआ है साइट का। इस पे अभी कोई भी आपको पेज बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही हमने अभी तक कोई मेन्यू क्रिएट किया है। हमने सिंपली पोस्ट डाली थी लास्ट वाली अपनी वीडियो में जो हमारी यहाँ पर शो हो रही है, उसमें हमने कैटेगरी डाली थी हेल्थ एंड फिटनेस और एक हमारी कैटेगरी थी सिंपल डाइट। ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी जो भी हमारी पोस्ट थी वो शो हो रही है। आज मैं आपको पेज कैसे ऐड करते हैं वो सिखाऊंगी। तो सबसे पहले पेज ऐड करने के लिए आपने पोस्ट के बाद का जो ऑप्शन है मीडिया फाइल का है। मीडिया फाइल ऐसा जब हम कोई भी पोस्ट या पेज क्रिएट कर रहे होते हैं उसी टाइम हमें ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी मीडिया फाइल अपलोड कर लो। पहले ऐसा जो आपको कोई ऐसा नीड नहीं है कि आप पहले से मीडिया फाइल अपलोड करके रखो। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसर्टिंग द डेटा उसी टाइम आप अपनी इमेजेस या कोई भी सॉन्ग वीडियो जो भी डालना चाहते हो वो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आज हम पेज क्रिएट करना चाहेंगे तो सबसे पहले आप अपना जो मीडिया के बाद पेजेस का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करोगे। पोस्ट की तरह इन्होंने भी हमें प्रोवाइड किया है कि आपने ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जो भी आप पेज क्रिएट करना चाहते हो अपनी साइट का, नॉर्मली हमारे पेजेस रहते हैं कि हमें होम, कंटैक्ट अस, ब्लॉग, अबाउट अस, ये सारे पेज रहते हैं। इसी तरह हम डेमो में ये सारे पेजेस क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा पेज ओपन हो गया है जिसके ऊपर हमने अपना नया पेज ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले इसका टाइटल प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, मेरे पेज का टाइटल रहेगा होम। ठीक है, उसके बाद आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आप इसके ऊपर कोई हेडिंग देना चाहते हो वो प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैं इसको हेडिंग प्रोवाइड करना चाहूँ तो हेडिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर पैराग्राफ में कंटेंट लिखना चाहूँ तो वो प्रोवाइड कर सकती हूँ। फिलहाल मुझे हेडिंग प्रोवाइड करना है तो मैं इसका नेम रखूंगी एक्सरसाइज। ठीक है, सो हमने एक्सरसाइज को थोड़ा बोल्ड कर लेना है, सारा आपने पूरा सिलेक्ट करके करना है, हाफ को नहीं करना है। जैसे मेरे से गलती से हाफ हो गया था, आप पूरा सिलेक्ट करोगे इसको। ठीक है, और फिर उसके बाद बोल्ड के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक सिलेक्ट बोल्ड। ठीक है, उसके बाद जो मेरा कंटेंट रहेगा वो मैं अब इसमें कोई भी पैराग्राफ की फॉर्म में कंटेंट जो भी अपना डालना चाहती हूँ वो डालूंगी। तो मैं इसके लिए पैराग्राफ चूज कर लूंगी। ठीक है, सो आप एक्सरसाइज के लिए कोई भी कंटेंट यहाँ से कॉपी कर सकते हो नेट से। हम एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग ब्लॉग देख लेते हैं, जो भी हमारे पास वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे जस्ट फॉर डेमो कि हमारा पेज थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे। अभी मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट पड़ा नहीं हुआ है तो मैं कोई भी वेबसाइट से कंटेंट यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, आई थिंक इनका कंटेंट हमें ऐसा प्रोवाइड तो हो नहीं रहा है, सिंपली हम देख लेते हैं कोई भी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग ये कंटेंट उठा लेते हैं। मैं इसको कंट्रोल सी कर रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर जाके कुछ आपने कंट्रोल पी प्रेस कर देना है। इसको 2-3 टाइम्स में कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अपने बेस की लेंथ बढ़ाने के लिए कि मैंने उसके ऊपर क्या कंटेंट डाला हुआ है हम इसको पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसके लिए हमने फिर से आगे जो प्लस का ऑप्शन रहता है कि आपको इमेज ऐड करनी है वो चूज कर लेना है। फिलहाल अगर मैं नहीं भी चाहूँ तो नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे इमेज ऐड करनी है कि नहीं करनी है। उसके बाद मैं अपने ऑप्शन की ये सारे जो भी कंटेंट के ऊपर इसको जस्टिफिकेशन देनी है वो सारा चेक कर लेती हूँ। नॉर्मली मेरा कंटेंट जस्टिफाइड ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें इसको बोल्ड करना है। सिंपली जैसा भी आप डालना चाहते हो वैसा ही रखना है, ड्रैग ड्रॉप करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे इन्होंने ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है बट हम इसको एज सच ऐसे ही रहने देते हैं जो भी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है,
उसके बाद हमने इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो पब्लिश के बटन पे जब आप क्लिक करोगे ऐसे, तो हमारा ये पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से हमें ये ऑप्शन प्रोवाइड होगा कि आप अपना पेज व्यू कर सकते हो, ठीक है। गलती से मैंने वहीं पर क्लिक कर दिया था, तो वहीं से हमारा रीडायरेक्ट हो गया है इस पेज के ऊपर। मैंने ये जो भी कंटेंट डाला था ऊपर एक्सरसाइज के और यहाँ पर नीचे, ये हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से सीधे एडिट के ऊपर क्लिक करूंगी तो सेम पेज फिर से ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। मुझे ये कंटेंट यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं इसको बैकस्पेस देके डिलीट कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद जो मेरा नीचे अगर और कंटेंट डालना है मुझे, तो मैं वो इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके कंटेंट को बढ़ा भी सकती हूँ, कम भी कर सकती हूँ। वो सारा हमारी नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसके अंदर कितना कंटेंट डालना है, कौन कौन सा हेडिंग देना है। अगर हमें रीड मोर का जो कोई भी लिंक लगाना है वो आप कैसे करोगे, जैसे मैं यहाँ पर facebook.com लिख देती हूँ, ऐसे ही facebook.com, ठीक है, जस्ट फॉर डेमो ये लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ इसको। इसके बाद इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अगर आप अपनी साइट के नीचे किसी दूसरी साइट का लिंक प्रोवाइड करना चाहते हो, जो अपनी ही साइट के किसी पेज पे जाना चाहते हो, तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने मेन्यू क्रिएट नहीं किया है तो आप इसको प्रीव्यू नहीं कर सकते, वहां से सीधे यहाँ से आपको प्रीव्यू करना है बैक एंड से, ठीक है। फ्रंट एंड पे अभी हमारा पेज सेट नहीं हो रखा है, हमें शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ से व्यू नहीं कर सकती हूँ, बट मैं प्रीव्यू की हेल्प से इसको देख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे लिंक लगाया था, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये सीधा मुझे फेसबुक के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। इसी तरह से आप जितने भी लिंक्स चाहो इस पेज के ऊपर लगा सकते हो, वो आपकी नीड के ऊपर है कि आपको किसी एक्सटर्नल साइट का लिंक प्रोवाइड करना है या आपको अपनी ही साइट का लिंक प्रोवाइड करना है, वो वरी करता है। दिस इज अप टू यू कि आप कौन सा लिंक लगाना चाहते हो। अगर आप कोई भी लिंक नहीं लगाना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ से लिंक का ऑप्शन लेके, जो आपको ये शो हो रहा है कंट्रोल के की हेल्प से, ये यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी ऑप्शन रहता है इंसर्ट बिफोर इंसर्ट आफ्टर, बट मैं सीधे सीधे, मेरे को यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं, इतना ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे ही यहाँ पर जो भी कंटेंट डालना चाहो, सीधे जैसे उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है लाइन वाइज, उस तरह से चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल पेज हो गया। इसके बाद हम अगर एक न्यू पेज ऐड करना चाहें तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। ये पेज तो हमारा यहाँ पर सेव हो गया, हमें इसके ऊपर कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हम जस्ट डेमो पेज बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम पेजेस के नेम कहाँ से देते हैं, कैसे कंटेंट राइट करते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं सीख रहे हैं। तो आपने बेसिकली इसको इजिली कोई भी नेम प्रोवाइड करना है और उसको देखना है कि आपका डेमो पेज बन गया है। उसके बाद जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आगे प्रोसीड करते हो, फिर आप जो भी उसमें कंटेंट डालना चाहो, जो भी डेटा इंसर्ट करना चाहो, जो भी मीडिया आप डालना चाहते हो, वो प्रोवाइड कर सकते हो। सो अभी मैं नेक्स्ट पेज बनाना चाहती हूँ जिसका नाम मैं ब्लॉग रख रही हूँ, ठीक है। सॉरी, पहले हम कॉन्टेक्ट अस का पेज बना लेते हैं। सो मैंने इसका हेडिंग दे दिया है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। उसके बाद ये जो मेरी नेक्स्ट ब्लॉग मेरे को प्रोवाइड हो रही है, इसके थ्रू अगर मैं चाहूँ तो इमेज लगा सकती हूँ, अपलोड कर सकती हूँ। तो मेरे को अभी यहाँ पर, चलो हमने जो डेमो में इमेज लगाई हुई है वही हम मीडिया फाइल से चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये फोटो पहले ही अपलोड कर रखी है, इसी को चूज कर लेती हूँ क्योंकि मुझे शो करना है कि फोटो हमारी शो हो रही है कि नहीं। यहाँ से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, मीन्स कि आप इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ इसको ऐसे ड्रैग करना है, ठीक है। इसके हिसाब से आपकी सारी ये फोटो जो है अपना साइज रिसाइज कर लेगी। राइट क्लिक करके आपने इसको ड्रैग कर देना है और ये साइड अपनी जो विड्थ और हाइट है उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको खुद से लिखने की, इसमें कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं रहती है, आप ऐसे ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका कंटेंट रहता है वो आप सिंपली चेंज कर सकते हो इसके हिसाब से। सो मैंने ये इमेज डाल दिया। उसके बाद अगर मैं पैराग्राफ इसमें कंटेंट डालना चाहती हूँ तो वो भी कर सकती हूँ।
जैसे मेरे पास सिंपल कंटेंट पड़ा हुआ था, मैंने ये ऐड कर दिया है और फोटो भी लगा दी है। मीन्स कि अगर आप सेम उस पेज के ऊपर कंटेंट भी लिखना चाहते हो और फोटो भी लगाना चाहते हो, जैसे हमने पोस्ट में लगाया था उसी तरह से हम लगा सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इसकी हाइट और विड्थ भी मैनेज कर सकते हो अपने पेज के ऊपर। ऐसा हमें तो आगे नीड रहती है कि कॉन्टेक्ट अस के ऊपर हम अपना एड्रेस प्रोवाइड करें, अपना जो भी हमारी कंट्री है, हमारा मोबाइल नंबर है, वट एवर जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हो, मैप की लोकेशंस देना चाहते हो, वो सारा कुछ आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। सिंपली मैंने डेमो के लिए यहाँ पे कंटेंट डाला है कि हम कैसे डालते हैं, और एक सिंपल इमेज दिया और पेज का टाइटल दिया है। सो हम इसको पब्लिश कर लेंगे, ठीक है। पब्लिश करने के बाद जब हमारा पेज पब्लिश हो जाता है तो हम उसको सीधे यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, क्योंकि अभी आप डायरेक्टली पेज को ओपन नहीं कर सकते हो क्योंकि हमने मेन्यूज क्रिएट नहीं किए हैं। तो ये हमारा कॉन्टेक्टर्स का पेज खुल गया है। इसका जो हमें डिजाइन शो हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की साइट ने हमें प्रोवाइड किया है, जो इस तरह से शो हो रहा है। जब आप आगे नेक्स्ट कोई और थीम चूज करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसका डिजाइन सारा बदल सकते हो। कॉन्टेक्टर्स आपको कहाँ पर चाहिए, कौन सी उसकी विड्थ हाइट होनी चाहिए, कितना उसका फोन कलर होना चाहिए, सारा कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको एडिट की हेल्प से फिर से वापस एडिट के पेज पे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये दो पेज बनाए हैं, एक हमने होम का बनाया और एक हमने बनाया है कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। सो मैं आज के इस जो हमारी वीडियो है उसमें आपको पेज ऐड करना सिखाऊंगी। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम आगे अपग्रेड करेंगे कि हम वर्डप्रेस की साइट को आगे कैसे मैनेज करते हैं, लाइक जो हमने पेज बनाया है उसको मेन्यूज में कैसे ऐड करते हैं, वो बार के ऊपर कैसे शो होती है, वो सारी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज बलराज कौर फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजी मोहाली। थैंक यू।